नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत बार कमेंट किया कि ऐसे शेयर बताइए जो कि बार बार बोनस देता हो, डिविडेंड भी देता हो और पूरी तरह से डेब्ट फ्री हो। तो दोस्तों ऐसे ही शेयर लेकर आए हैं जो कि ऑटो सेक्टर से है, मतलब उसके जो प्रोडक्ट होते हैं ऑटो सेक्टर में यूज होते हैं। तो ऑटो सेक्टर कई सालों से अंडर परफॉर्म है, 3-4 सालों से। तो वैसे में ये स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म है, मतलब आपको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। तो ऐसे ही चीप वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हम इस वीडियो में लेकर के आपके लिए आए हैं जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि ये बोनस जो दी है 9 से 10 बार बोनस दी है। ये शेयर समझ सकते हैं, ये आपके 1000 शेयर को लाखों शेयर बना दिया है। तो समझ सकते हैं ऐसे ही शेयर लेकर के हम आए हैं जो आपके 1000 शेयर को लाख शेयर बना दिया है। रिटर्न इतना ज्यादा कि इसमें अगर आप 1000 रुपये लगाए रहते, अगर आप इसमें 1000-2000 लगाए रहते तो आप इस अभी 1 मिलीनियर होते, 1 करोड़पति होते। तो ऐसे ही शेयर लेकर आए हैं जो कि छुपा रुस्तम शेयर है। इस शेयर के बारे में आप थोड़ा बहुत कम जानते होंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम उन शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वो शेयर है हमारा, देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। कोलेस्ट्रॉल ये कि जो कि हमारा ऑयल बनाती है, ग्रीस बनाती है। तो ये समझ सकते हैं जो कि हमारा ऑटो सेक्टर में काफ़ी अंडर परफॉर्म है। मारुति के साथ इसका टाइप है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप है और ये तो आप बहुत बार नाम सुने होंगे लेकिन इसके स्टॉक्स के बारे में कम जानते होंगे। आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर दिखा देते हैं ये कितना बार बोनस दिया है। यहाँ से बोनस पे क्लिक कीजिए, देखते हैं 2017, 12, 10, 99, 95 डिविडेंड देखिए, कम से कम 39 बार ये डिविडेंड दिया है और डिविडेंड इतना ज़्यादा कि 4% से 5% तक इसका डिविडेंड यील्ड है। समझ सकते हैं आप, 5% तक का डिविडेंड यील्ड, जितना FD पे आपको ब्याज मिलता है उतना ये डिविडेंड यील्ड देता है आपको। तो डिविडेंड उतना जितना कि आप FD पे ब्याज प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्याज पे टैक्स लगता है, डिविडेंड पे 10 लाख तक टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर देखते हैं एक साल में दो बार डिविडेंड देती है, देखते हैं 2019 में, उस तरह 18 में। तो आपको ये दिखाते हैं पूरा डिविडेंड का जो हिस्ट्री है इसका। यहाँ पर आप बोनस देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डिविडेंड पे ले जाते हैं, देखिए डिविडेंड हैं 2020 में जो ऑटो इंडस्ट्री कंपनियाँ हैं वो डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि सारे कंपनी अंडर परफॉर्म है, लेकिन ये कंपनियाँ देखते हैं 3 रुपया का डिविडेंड दिया है 2020 में भी, ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में, जबकि काफ़ी सहायता करेगा ये बड़े इन्वेस्टर को। 2019 में 2 बार देख सकते हैं 5 रुपया से भी अधिक का डिविडेंड, 2018 में 2 बार, 2017 में 3 बार, 2017 में देख सकते हैं 3 बार, देखते हैं 180 + 40 = 220, मतलब 12 रुपया डिविडेंड, 100 रुपया का शेयर 12 रुपया डिविडेंड। समझ सकते हैं 100 रुपया के शेयर 12 रुपया डिविडेंड, और बोनस भी उतना कि आपके बोनस 1000 शेयर को लाखों शेयर बना दिया है, और शेयर भी बहुत सस्ता है, मतलब 1000 शेयर आप इजिली खरीद सकते हैं इसका। अब देखिए नीचे आते हैं 2011, 10, 9, 8 आप चलते जाइए, जब तक का आप देखिएगा 2000 ईस्वी तक का कोई भी वेबसाइट पे आपको डाटा प्राप्त होता है, तो 2000 ईस्वी से देख लीजिए कभी भी डिविडेंड ये नहीं छूटा है। 2003 से तो ये दो बार डिविडेंड दिया है, एक साल में दो बार डिविडेंड। तो कई बार ये इतना ज़्यादा डिविडेंड दिया है कि देखते हैं 125% दिया है 2003 में, 125 मतलब होता था उस समय, 125 मतलब 12 रुपया उस समय। तो समझ सकते हैं इतना डिविडेंड देता था, 125% 12 रुपया डिविडेंड ये 2003 में देता था, अभी भी 10 रुपया का डिविडेंड दे रहा है ये, 5 रुपया 10 रुपया डिविडेंड। तो आपने देख लिया ऐसे शेयर, आप बोनस देख लीजिए बोनस कितनी बार दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 2017, 12, 10, 99, 95, 94, 92, 92, 91, ये गलती हो गया है, एक ही बार होगा 92 में, फिर 90 में एक बार, साथ साथ एक बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। तो इतना बार जो है ये कॉर्पोरेट एक्शन किया है, मतलब इतना बार बोनस दिया है ये शेयर। तो ये है हमारा कौन सा शेयर, कोलेस्ट्रॉल इंडिया। अब आपको बैलेंस शीट इसका दिखाते हैं, पूरी तरह से कंपनी डेब्ट फ्री है। ये देखिए बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में हम ऊपर चलते हैं, अभी मार्च क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ है। देखिए दिसंबर रिजर्व है 872 करोड़, डेब्ट आपको दिखाते हैं, डेब्ट है 0। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं, कैश और बैंक बैलेंस 946 करोड़। तो लोग सिर्फ कंपनी का नाम देखते हैं और उसे उतना ही देखते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिसके प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं, अगर आप बाइक रखते होंगे कोई भी, तो कोलेस्ट्रॉल का यूज आप करते हैं आप ग्रीस में, उसके ऑयल में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल है उसके प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट टाइप्स, गियर्स ऑयल, हाइड्रोलिक फ्लूइड, फॉर्मिंग ऑयल देखते हैं, गियर्स, कंप्रेसर ऑयल,
जेन ऑयल, तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी लीडिंग है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा लीड करते हैं इसके प्रोडक्ट, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये। अब दिखाते हैं आपको इसका शेयर का प्राइस। देखिए मैक्सिमम ईयर का चार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर देख लीजिए ये 2007 से ही प्राइस यहाँ दिखा रहा है, जबकि ये बहुत पहले से लिस्टेड है कंपनी, काफ़ी रिटर्न दिया है ये देख सकते हैं। यहाँ से आप जो इन्फोसिस लेते हैं, विप्रो लेते हैं, विप्रो में आपको मतलब 200-300% का रिटर्न दिखेगा, ये देखिए 600% का रिटर्न। अगर आप बोनस देखिएगा तो बोनस ये भी इन्फोसिस विप्रो से कम नहीं है, और जो रिटर्न भी दे रहा है, और अभी आपको काफ़ी अंडर वैल्यूड पे स्टॉक्स मिल रहा है। मतलब अगर आप देख सकते हैं, जैसा कह रहा है आगे स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आने वाला है, अभी बाय नहीं करना, अभी अलर्ट होना है, क्योंकि अभी क्राइसिस आने वाला है। तो जैसे बोल रहा है कि क्राइसिस आएगा, स्टॉक मार्केट क्राइसिस, तो ये सारे शेयर जो 128 रुपये में है, ये आपको 50 रुपये में भी मिल सकते हैं। तो वैसे में जब ये 50 रुपये तक आ जाता है, तो आप इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट आगे क्रेश होने वाला है, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आने वाली है, तो वैसे में ये स्टॉक्स आपको हो सकता है 50 रुपये में भी मिल जाए, क्योंकि ये 89 रुपीज़ तक पहले वाले क्रेश में भी आ चुका था। अब दोबारा क्रेश आएगा तो काफ़ी ये स्टॉक गिरेगा। ब्रोकरेज का टारगेट तो 150 रुपये का है इस पे। यहां से देखिए गिरावट में ये आया था, वहां से कितना परसेंट रिटर्न दे चुका है, यहां से ये 42% का रिटर्न दे चुका है जहां गिरावट। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर जिसमें गिरावट तो आता है, उतना ही जल्दी बाउंस बैक भी आता है। ऑटो सेक्टर काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म है, तो ये वीडियो हम सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए दे रहे हैं कि ऑटो सेक्टर जब परफॉर्म करेगा आगे आने वाले समय में, अभी 2 साल बाद ही करेगा, तो काफ़ी 2-3 साल के बाद ही परफॉर्म करेगा, तो आने वाले समय में जब परफॉर्म करेगा तो ये सब स्टॉक्स आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न देंगे, क्योंकि ये सब मार्केट में जो इनके प्रोडक्ट है वो लीड करते हैं। तो ये तो आपने लॉन्ग टर्म चार्ट देख लिया, अब हम आपको दिखाते हैं इसको, यहाँ पर देख लीजिए जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आपको हमने ले आया है। टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि आपको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए कोई स्टॉक्स। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, उसके आसपास ये स्टॉक जा चुका है, समझ सकते हैं इतना तेजी से रिकवरी इसमें हुआ कि ये स्टॉक्स अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसमें काफ़ी तेज मूवमेंटम, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना देख फरवरी में ये था कितना के 160 के पास, 160 के पास था ये स्टॉक्स, और 160 से डायरेक्ट फॉल हुआ 90 रुपया पे, फिर वहाँ से देखते हैं 130 रुपया पे आ चुका है। अगर अब मार्केट क्रेश नहीं होता है तो फिर से ये 160 के आसपास चला जाएगा। तो ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं मार्केट से, आपको मार्केट से ढूंढ करके अच्छे स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे। अगर नहीं ढूंढ पा रहे अच्छे स्टॉक्स जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, जो कि मतलब काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक्स है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, डीमार्ट हो गया, IRCTC हो गया, मतलब तब जो वैसे बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के मोनोपोली बिजनेस वाले हैं, उसी में इन्वेस्ट करें। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करें, वो गिरावट में आती है। तो जब आप मार्केट में अच्छी तरह से नहीं जानते, अपने से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो जैसे हमने बताया आप इस पर रिसर्च करेंगे, ये स्टॉक्स लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो आप करेंगे, उसके लिए प्राइस आपने देख लिया कि मार्केट क्रेश होता है तो आपको ये 90 रुपये से नीचे आ जाता है तब आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, नहीं तो आपको रिलायंस में एवेन्यू सुपरमार्ट, HUL, इस तरह के बजाज फाइनेंस, IRCTC, इस तरह के जो वेल नोन वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये कंपनियां के भी प्रोडक्ट आप काफ़ी यूज करते हैं लेकिन आप इसे जानते ही नहीं है, तो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। अगर इसके प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं कोलेस्ट्रॉल के, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो दूसरे को भी लगते होंगे, दूसरों से पूछ लीजिए। तो जब सबको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो निश्चित है कि वो कंपनी आगे चल के परफॉर्म करेगी। तो जो बोनस ज़्यादा देती है उस शेयर में आपको मोमेंटम कम देखने पर मिलेगा, क्योंकि वो बार बार बोनस देने से उस शेयर का जो प्राइस होता है वो स्प्लिट होकर के काफ़ी क्लोज आ जाता है एक दूसरे के, बार बार स्प्लिट होने से। तो इसलिए वो उस स्टॉक जो कि काफ़ी बोनस देता है उसके चार्ट आपको सीधा ऊपर जाते हुए नहीं मिलेंगे। तो ये सारे जो वीडियो बनते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, पूरा वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि हमने आलोक इंडस्ट्री पर वीडियो बनाया कि आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप हमारे शेयर मतलब बेच देना चाहते हैं, बेच देना नहीं, आपको प्रॉफिट बीच में बुक करना है जब प्राइस हाई चला जाए, क्योंकि मार्केट क्रेश होगा तो कोई भी स्टॉक्स का प्राइस नीचे आ सकता है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।